कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और इस फूल के महत्व को सदियों से पहचाना जाता रहा है। कमल का एक वैदिक महत्व भी है, क्योंकि कमल का फूल फूल ही नहीं बल्कि कई औषधियों के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसी फूल की कई और प्रजातियां प्रचलित हैं, लेकिन एक नई प्रजाति का उद्भव भी हुआ है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा एक नई प्रजाति के रूप में नमो 108 का विकसित किया गया है। यह कमल की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। 108 की वैरायटी है जो हमारे पीछे पूरी तरह से खिली हुई है। और इस किस्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह जो कमल की वैरायटी है, इसे तालाब में, यहाँ तक कि छोटे पॉन्ड के रूप में, और यहाँ तक कि इसे गमले में भी उगाया जा सकता है। हमारे NVRI में देश भर का जो जर्मप्लाज्म है, जो कलेक्शन करके लोटस लाए हैं, वो सब यहाँ रखा हुआ है। तो उसको सारे कैरेक्टराइजेशन जब करते वक्त हमारे साइंटिस्ट लोगों को मिला कि एक ऐसे ही अद्भुत फूल है कमल की, जिसमें से 108 पंखुड़े हैं। तो वो देख के उनके बीच एक कौतूहल हुआ। तो उसके बाद सारे कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया। 4 साल पहले वो देखे थे, उसके बाद से उन लोग उसको इंटरवेन करके, वो एक बार फ्लावर होता था, उसका ट्रास्ट जब किया गया वो मणिपुर में था, मणिपुर का कलेक्शन था। लेकिन यहाँ जब मणिपुर में एक बार फ्लावरिंग होता है साल भर में, तो यहाँ ला के उसको इंटरवेंशन करके, डोमेस्टिकेट करके, साल भर कैसे फ्लावरिंग होगा, उसका एक क्लोनल सिलेक्शन उनको मिला जो कि साल भर फ्लावरिंग हो सकता है। वो भी 108 पंखुड़े वाले था। उसके बाद हम उसको कंप्लीट जीनम सीक्वेंस किए, पूरा न्यूट्रिशन जो है उसी का एनालिसिस किए, जैसे अमीनो एसिड हुआ, उसका कमल काकड़ी खाते हैं ना, कमल का उसी का एनालिसिस किए, उसमें से कितना मिनरल है वो सारे देखे। वो देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, और एक चीज़ भी उसके अंदर है, जो फाइबर, वो फाइबर से लेके भी फैब्रिक बनाया जा सकता है। तो उसी में फैब्रिक भी बनाए, उसी में कुछ हम जैकेट भी बनाए हैं, और उसका जो फ्लावर है उसी से एब्सोल्यूट बना के, उसको इंस्पायरिंग ये में लेके हम उसका एक परफ्यूम भी बनाए। अलग अलग टाइप का परफ्यूम बनाया जा सकता है लोटस को बीच में रख के, वो भी डेमोन्स्ट्रेट किए। वो सारे चीज़ जो है हम जो डेवलप किए हैं, उसका कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी से लेके प्रोडक्ट बनाने तक, वो हमारे माननीय मंत्री, केंद्र मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी आए थे, उसको देश के सामने रखे। और उसी को लेके हम सोच रहे हैं, अभी फार्मर के बीच जाएंगे, पहले शुरू करेंगे UP में से, और धीरे धीरे हम सारे भारत में जाएंगे, और उससे कैसे उन लोग लाभवान हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और कुछ लाइवलीहुड में उनका कैसे इम्प्रूवमेंट हो, उसी के बारे में उनको सिखाएंगे, और कुछ स्टार्टअप्स भी उसमें से शुरू होगा, हमें आशा करते हैं। ये जो लोटस है सर, इसका जो नाम रखा गया है कि नमो 108, तो ये 108 तो पंखुड़ी हो गई, नमो नाम किसको समर्पित है? नमो नाम जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम जब मीटिंग कर रहे थे क्या नाम रखेंगे, ये लक्ष्मी जी का फूल है, लक्ष्मी जी वसुदेव जो भगवान श्री कृष्ण का पत्नी है, आप बता सकते हैं इसे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमः मीन्स सैल्यूटेशन, ये एक सैल्यूटेशन है, तो हर जगह नमो का वर्ड यूज होता है। उसी फूल को लेके 108 का फूल हमारे रिलीजन में बहुत महत्व रखते हैं, 108 नंबर जो है वो देख सकते हैं आप कहीं भी शास्त्र में देख सकते हैं। तो नमः 108 एक पवित्र नाम है। इस कमल में फैटी एसिड के साथ साथ अमीनो एसिड भी है, और यहाँ तक कि कई ऐसे पोषक तत्व भी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस रूप में देखा जाए तो कमल की यह प्रजाति खास तौर से किसानों के लिए एक आय बढ़ाने वाली प्रजाति है, और अगले साल तक इसका बीज भी किसानों को मिल सकेगा, और किसान फिर इसे अपने तालाब में, यहाँ तक कि अपने छोटे से गड्ढे में
और गमले में भी उगा सकेंगे और अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। धर्मेंद्र सिंह किसान तक लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।